hello everyone uh, so i am uh, recording this non technical video on uh, preparation strategy of gate examination last month preparation strategy um, what are the tips uh, in cracking the gate examination so uh, many of you have been asking us uh, regarding um, uh, the tips how to crack it what was our experience how did we approach entire examination so i thought i'll share my uh, journey especially uh, what was my mental state uh, at last uh, stage of the gate examination uh, because uh, i think uh, only around 20 days left in uh, gate examination 2024 uh, so i think uh, it might be hu useful uh, to some of you so uh, i'll try to uh, record this video mostly in hindi uh, somewhere here and there english might come uh, but um, आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड इन हिंदी बिकॉज आई फील लाइफ बी एबल टू कम्युनिकेट एंड आर्टिक्युलेट बेटर सो मैं मेरी गेट जर्नी शेयर करता हूँ सो uh, so, uh, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन बी टेक टू थाउजेंड फिफ्टीन में कम्प्लीट किया एंड आफ्टर दैट मुझे जॉब मिल गई थी uh, इतनी अच्छी जॉब नहीं थी uh, ना जिस कॉलेज से मैंने पास आउट किया वो बहुत अच्छी थी सो ऑबसली मैनी ऑफ यू काफ़ी लोग आप रिलेट कर पाओगे कि um, जो नॉन आई आई टी होते हैं उनको कंपेरेटिवली अच्छी जॉब नहीं मिलती अच्छा कंपेसेशन नहीं मिलता यू नो ग्रोथ नहीं मिलती वगैरह वगैरह सो सिमिलर कंडीशन थी मेरी भी जॉब मिल गई थी <laughs> पढ़ाई किया था बारह साल यू नो बारह साल स्कूल में पढ़ाई किया फिर चार साल कॉलेज में पढ़ाई किया और सब पढ़ाई करने के बाद जॉब तो मिल गई पर इतनी अच्छी जॉब नहीं थी सर्विस बेस कंपनी थी जो टेक जाइंट है यूजुअली और बेंगलोर में जॉब थी तो काफ़ी खर्चा भी हो रहा था और सेविंग के नाम पे काफ़ी कम सेविंग हो रही थी आम, सो थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट था उस टाइम पे क्योंकि यू नो सॉर्ट ऑफ हमें पूरा यू नो एक तरीके से एक सोशल कल्चर बनाया गया है कि हमें आ, जब बच्चा कोई भी पढ़ता है स्कूल में होता है जहाँ पे भी होता है आ, उनको एक यू नो एक, एक, एक चेहरे दिखा के दौड़ाया जाता है कि आप ये कंप्लीट कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी आप ये कंप्लीट कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी सो so, मुझे भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही किया गया था आप टेंथ कंप्लीट कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी आप कॉलेज कंप्लीट कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी पर वो जब मैंने सेट लाइफ देखी <laughs> तब मुझे पता चला कि जिस जो एफर्ट एक्सपेक्ट की जाती है और जो रिवॉर्ड मिलता है वो, वो काफ़ी कम होता है एक्चुअली And that's a sad state because, um, under, uh, engineers are actually undervalued in India. Um, I think it's because uh, of the education system. And personally, I have a, you know, very uh, fundamental problems in, um, Indian education system. Uh, but, um, I'll not go there. Uh, this is regarding gate journey. Uh, so at that point, uh, I decided that, ki, um, Uh, मुझे जॉब छोड़ देनी है एक्चुअली <laughs> मैंने सोचा नहीं था क्या करूँगा जॉब छोड़ के बट <laughs> मैंने जॉब छोड़ दी <laughs> uh, बस मुझे उतना पता था मुझे ये नहीं करना है <laughs> क्योंकि जो सेविंग हो रही थी उससे आप मतलब पहली जॉब पे गिफ्ट भी नहीं दे सकते अपने परिवार वालों को ये स्टेट होती है और क्या मतलब है क्या मतलब है इतना घिसने का तो मैंने जॉब छोड़ दी मैंने सोचा नहीं था मैंने मैं क्या करूँगा मैंने जॉब छोड़ दिया आई रिमेंबर अराउंड मार्च में मैंने छोड़ दी थी जॉब टू 2016 मार्च में Um, uh, फिर uh, फिर uh, दो तीन मंथ्स तो वैसे ही रिक्रिएशनल टाइप एक्टिविटीज़ की uh, कुछ एन में जाके वॉल्टियरिंग की फिर uh, हॉबी डेवलप की स्पोर्ट्स खेला वगैरह 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 फिर थोड़ा क्लैरिटी आई कि ओके मतलब आई हैव टाइम ऐसा भी नहीं है क्योंकि आई वॉज सींग कि uh, मेरे जो कलीग uh, मेरे जो फ्रेंड्स uh, है कॉलेज uh, के कुछ लोग फॉरेन uh, चले गए जी आर देखे कुछ लोग एम कर रहे थे कुछ लोगों ने गेट भी दिया था तो यू नो देर वॉज अ ऑप्शन कि मे बी आप थोड़ा बेटर करोगे तो मे बी जो नेक्स्ट जॉब करोगे वो थोड़ी सी बेहतर होगी uh, या फिर जो भी मतलब एटलीस्ट देर इज वे यू नो तो मैंने सिंपली डिसाइड किया कि ये चलो गेट करूँगा uh, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मैथ्स और वगैरह पे थोड़ा सा इंटरेस्ट था और कंप्यूटर साइंस इज वेरी रिलेटेड टू मैथ्स सो लाइक मैंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स आई डू द गेट एंड इनफैक्ट जब मैंने अंडर कंप्लीट कम्प्लीट किया आई वॉज नोइंग वेरी लेस अबाउट कंप्यूटर साइंस इवन बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस के उसके बारे में भी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था uh, उसके बारे में अवेयर नहीं था सो काइंड ऑफ ब्लैंक था मुझे लग रहा था कि वाई डी डी आई इवन गो टू अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एंड यू नो क्योंकि ना तो नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ रहा था ना तो यू you नो know, uh, कहीं मुझे लाइफ में हेल्प हो रही थी इस चीजों के सो so, uh, थोड़ा सा अवर्जन हो गया था कि यू you नो know, पूरा लाइक वट एवर द टॉपिक्स आर देयर दे आर नॉट हेल्पिंग मी इन लाइफ सो यू नो वाई शुड आई आईन स्टडी फर्दर बट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा मेरा uh, जैसे मैंने स्टडी करना चालू किया बिकॉज मैंने जो रिसोर्सेज देखे सॉर्ट uh, ऑफ sort of, uh, कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल थी मेरे दोस्त ने पहले गेट क्रैक किया था uh, उसकी नोट्स मैंने ले लिए और टॉपिक्स रिफ़र करता गया मैं और फिर मैं uh, मतलब कुछ कोचिंग भी जॉइन किया था पर फिर उसमें मज़ा नहीं आया मुझे uh, फिर uh, कुछ से करने का कोशिश किया uh, और नॉर्मली मेरे लिए ज़्यादातर रेफरेंस मटेरियल एनपीटीएल की वीडियोस थे Uh, उससे रेफर करता गया uh, तो मुझे मज़ा आने लगा टॉपिक्स में <laughs> क्योंकि यू you नो know, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आई की वैल्यूज़ क्यों है बिकॉज uh, जो वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं मतलब मैं बहुत जनरल कमेंट्री नहीं करना चाहता हूँ बट एटलीस्ट जो मैं फेस से गुजरा हूँ आई वुड से कि ज़्यादातर जो फैकल्टी होती है नॉन आई आई टी से ऐटलीस्ट मेरे टाइम पे uh, जब मैंने पास आउट किया uh, वो जब uh, कोई भी टॉपिक पढ़ाती है दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट फंडामेंटल्स दे आर नॉट वेरी पैशनेट अबाउट टॉपिक सो वो लोग कहाँ से स्टूडेंट में इंटरेस्ट जगा पाएंगे uh, और जब मैं एनपीटीएल के यू नो रिसोर्स रेफर कर रहा था तब uh, मतलब मुझे काफ़ी फैसिनेशन हुआ क्योंकि जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे um, उनका एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट था प्रॉब्लम को अप्रोच करने का यू नो यू नो एवरीथिंग वाज सीमिंग वेरी यू नो नाइस एंड आई वाज एंजॉइंग एंटायर प्रोसेस यू नो एवरी सब्जेक्ट एक्चुअली मैंने कंप्यूटर <laughs> साइंस में मेजर नॉलेज गेट से लिया है गेट की प्रिपरेशन से लिया है सो um, so, आ, यही रेफरेंस मटेरियल था <laughs> और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आने आती गई आ, मैंने आई थिंक प्रिपरेशन कब चालू की होगी आई गेस जून जुलाई में चालू की होगी फिर पाँच छः महीने प्रिपेयर किया और एग्जाम आती गई क्लोज टू तो क्लोज और आई आई वुड से कि आई कैन रिलेट मतलब जो लोग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक साल का ड्रॉप ले लेते हैं दो साल का ड्रॉप भी ले, ले लेते हैं प्रिपरेशन करने के लिए ऐसे भी स्टूडेंट हैं सो आई कुड रिलेट देर मेंटल कंडीशन कि क्योंकि मैं उसी स्टेट से गुजरा था uh, मेरे पास कुछ फ्यूचर का ओपन नहीं था कि मैं क्या करूँगा uh, पर uh, पर यू you नो know, वो जो प्रेशर बनता है जब जानवरी आता है पंद्रह बीस दिन या यू नो पच्चीस दिन रह गए गेट एग्जामिनेशन के सॉर्ट uh, ऑफ sort of आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर इसी पे डिपेंडेंट है कि आप क्या करने वाले हो इस एग्ज़ाम पे कितना अच्छा करने वाले हो वगैरह वगैरह सो आई कैन रिलेट आई वुड से पर मैं कहूँगा कि यही काफ़ी क्रूशियल स्टेज है क्योंकि um, इसी फेज में आपकी मेंटल डिसिप्लिन और फोकस uh, का टेस्ट होता है सो so, सी uh, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि गेट एग्जामिनेशन आपको पता ही होगा कि इट्स वेरी कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन सो इट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली क्योंकि कहीं पे भी गेट एग्जामिनेशन आप कितना टॉपिक को याद रख रहे हो या यू नो मेमोराइजेशन कभी भी चेक नहीं करती वो हमेशा ही कंसेप्ट चेक करती है आप टॉपिक्स और फंडामेंटल्स को कितने अच्छे से निगल चुके हो उतना अच्छा आप गेट में परफॉर्म कर पाओगे सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली अबाउट गेट एग्जामिनेशन सो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट फेज है ना उसमें आप कोई नए टॉपिक मत उठाओ आपने जितने पढ़े है टॉपिक्स उसको यू you नो know, उसके फंडामेंटल बेहतर करने की कोशिश करो उसको यू नो निकलने की कोशिश करो अच्छे से अच्छे क्योंकि गेट का जो तो पेपर पूरा सेट होता है उसमें उसमें क्वेश्चन उस तरीके से सेट होंगे ना कि आपको बहुत ही अपने टाइम और एनर्जी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तो आई वुड से कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है सपोज कोई भी टॉपिक से दिया गया है। तो आप उसके फंडामेंटल्स को उसके कंसेप्ट को जितना अच्छी तरीके से यू you नो know, निगल चुके हो उसको आत्मसात कर लिया एक तरीके से उतना अच्छा और इतना जल्दी क्विकली उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे और दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके फंडामेंटल्स अच्छे से अच्छे क्लियर हो uh, तो इस uh, जो ड्यूरेशन है जो बाकी का टाइम बचाए गेट के लिए आप उसमें से कोई नए टॉपिक मत उठाओ क्योंकि उसके फंडामेंटल समझने में भी, भी एक सर्टेन ड्यूरेशन लगता है आई वुड से इतने जल्दी समझ में नहीं आते अनलेस यर यू नो प्रीवियसली अकॉइंटेड विथ दैट टॉपिक और दैट एरिया तो आ, मैं कहूँगा कि कोई नए टॉपिक मत लो जितने भी आपने पढ़े इट्स फाइन देखो मतलब ऐसा मत सोचो कि आ, ओके मेरा तो ये करना बाकी रह गया दूसरों ने तो ये कर लिया होगा सी ये सारी चीजें एक तरीके से आपको ही मेंटली स्ट्रेस में डालेगी और ये आपके लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी इस सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता सच में अभी कोई मायने नहीं रखता आप आपका ओनली फोकस यही होना चाहिए नेक्स्ट ट्वेंटी डेज में आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपने जितना टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर हो और एग्जाम में वो क्वेश्चन आए ना तो आप वो क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से सॉल्व कर पाओ जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको परवाह नहीं करनी है पर जो पढ़े हैं उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है उतना ही आपको फोकस रखना है बाकी आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं कि ओ दूसरों ने यह कर लिया मैंने तो इतना ही किया क्या मैं क्रैक कर पाऊंगी कि नहीं ये सारी चीजें अभी मायने नहीं रखती प्रिपेयर करने का टाइम था वो प्रीवियसली था प्रिपेयर किया आपने इ्स ओके थोड़े रह गए दैट इज ऑल्सो फाइन ओनली द फोकस नाउ शुड बी ओनली द फोकस नाउ शुड बी कि जो किया है उसमें से आपको अच्छा सा अच्छा परफॉर्म करना है दैट्स द ओनली फोकस तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को एक प्रॉमिस करो कि अब से आप जब गेट एग्जाम में जाते हो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जो आप ऑलरेडी जानते हो जो टॉपिक्स आप अच्छे से समझते हो जो टॉपिक्स आप अच्छे से समझते नहीं हो उस टॉपिक्स के बारे में परवाह मत करो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन कंसेप्चुअल होने वाले हैं गेट के एग्जाम के मे बी uh, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे शायद आप सॉल्व कर पाओ पर कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे तो अगर वो नहीं सॉल्व कर पाओगे इट्स वेरी लाइकली क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में परवाह करने का कोई मतलब कोई अभी मायने नहीं रखता जो आपने किया है वो अच्छे से करने पे ज्यादा फोकस करो और स्ट्रेस कम लो इस पीरियड में क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मतलब काफ़ी लोग होंगे इवन डी में नहीं कंप्यूटर साइंस दे रहे होंगे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा जैसा मैंने बोला मेरी भी कंडीशन सॉर्ट ऑफ ऐसी थी कि यू नो गेट नहीं निकला तो क्या होगा वगैरह वगैरह तो ये सारे क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है स्पेशली इस फेज में और यू नो सॉर्ट ऑफ आपकी पूरी पूरी फ्यूचर प्लानिंग इसी चीज़ पे टिकी हो तो ये सारे क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है आ, पर आई वुड से कि यही काफ़ी क्रूशल टाइम है क्योंकि आ, गेट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना कि इट्स नॉट डेट कि आप कंसेप्ट अच्छे से जानते हो पर आप जो प्रेशर आता है और उसको मेंटली कैसे हैंडल करते हो आप अपन, अपना अपना यू नो मेंटल फोकस कैसे बनाए रखते हो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी स्पेशली इन दिस स्टेज एंड स्पेशली इन एग्जामिनेशन है ना क्योंकि मैंने कहा कि आप अपने जो टाइम है ना जब एग्जामिनेशन का आपके तीन घंटे ऐसे मैनेज करने कि जो आ रहा है ना क्वेश्चन वो छूटना नहीं चाहिए जो नहीं आ रहा है उसके बारे में परवाह मत करो और जो गेट के क्वेश्चन होते हैं ना आप सोचो कि मतलब वो डुएबल होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट और टॉपिक अच्छे से पढ़ाओ क्योंकि आप मतलब एक मेंटेलिटी सोचो कि कोई मतलब सपोज कोई प्रोफेसर गेट का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल देगा कि मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और दूसरे क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगे इतना अनइवन टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं डालेगा कोई क्योंकि यू uh, नो you know, जब पेपर आता है ना स्टूडेंट के हाथ में तो वो सारे पेपर को रेफर नहीं कर पाता सारे क्वेश्चन को एक साथ रेफर नहीं करेगा और ऐसा दूसरे पास में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेगा पहले ही पास में वो क्वेश्चन देखेगा और अटैम्प करने की कोशिश करेगा तो मतलब उसको आइडिया ही नहीं होता कि भाई मतलब ओवरऑल कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम देगा और फिर वो टाइम मैनेज करे और दूसरे आ, दूसरे पास में क्वेश्चन अटैम्प करे वो सारी स्ट्रेटजी का टाइम ही नहीं रहता लाइक आपके पास क्वेश्चन आया आप अटैम्प करने की कोशिश करो और अगर आप फॉर सम रीज़न अगर सॉर्ट sort ऑफ of आप टॉपिक को जानते हो और स्टिल आप उसे अटैम्प नहीं कर पाते हो या आप सॉल्व नहीं कर पाते हो सो इट्स ओके मे बी वो कुछ मे भी आप उस टॉपिक के फंडामेंटल्स में गलती कर रहे हो या फिर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो फॉर वट एवर रीज़न यू नो या फिर uh, कोई दूसरी टेक्निक से जल्दी बन जाता होगा क्वेश्चन पर आप कुछ दूसरी टॉक टेक्निक सोच रहे थे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सो जस्ट बी हम्बल एट दैट पॉइंट एंड लीव देट क्वेश्चन मार्कर लगा के छोड़ दो वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा ईगो पे मतलब कि ओ मैं मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता <laughs> ये ईगो की बात नहीं है ये है एक्चुअली है जो आपको टाइम दिया गया है उसको बेस तरीके से यूटिलाइज करने की बात है सो so, uh, uh, मैंने मैं कहता हूँ कि अगर आपने फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर करा है ना टॉपिक से तो डुएबल होता है मतलब अगर क्वेश्चन हाथ में आए तो डुएबल होता है मतलब कोई भी प्रोफेसर हाँ मतलब मैं समझता हूं कि उसमें कॉन्सेप्ट होगा है ना मे बी थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के भी होंगे थोड़े कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एवरीथिंग लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्ट थिंग पर वो अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेगा कोई प्रोफेसर ऐसा सिलेक्ट क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर वो स्टूडेंट के हाथ में है सपोज पहला ही क्वेश्चन उसके हाथ में वो आ गया और उसने वो ज्यादा उसमें ही ज्यादा टाइम निकाल दिया तो वो तो अनजस्ट uh, uh, हुआ ना उस स्टूडेंट के लिए क्योंकि बाकी के स्टूडेंट क्वेश्चन uh, उसको आते भी थे क्यों, लेकिन पहला क्वेश्चन ही ज्यादा टाइम ले रहा था तो उसको पता ही नहीं चला कि यू you नो know, इसमें पहले क्वेश्चन को अटेम करे या छोड़ दे तो वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाता है तो uh, कोई भी क्वेश्चन पेपर सेटर ऐसे स्क्यूड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाले बहुत ज्यादा स्क्यूड टाइम ड्यूरेशन uh, uh, वाले क्वेश्चन नहीं सेट uh, करेगा ऑलमोस्ट यू नो इन टाइम लिमिट डूएबल होते हैं क्वेश्चन ऐसा मुझे लग रहा है uh, मैंने मेरी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे uh, ऐसा नहीं था सारे सही थे uh, काफ़ी गलत भी थे पर सारे अटेम्प्ट कर लिए थे अगर आप रीजनेबली सर्टेन हो मे भी आप कर सकते हो तो कम मारो <laughs> क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है दैट इज वेरी बैड बट अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन अटेम्प्ट इट ओके मतलब परसेंट टू परसेंट डिपेंड्स है मतलब मैं कोई जनरल गाइडलाइन नहीं देना चाहता इस चीज़ों में uh, पर मैं जस्ट कहता हूँ कि मतलब ओवरऑल अप्रोच की बात करो तो आप रिलैक्स रहो इस पीरियड में मैं कहूँगा स्ट्रेस uh, मत लो जो छूट गया है उसके बारे में परवाह मत करो आ, और हो सके तो जो मतलब जैसा मैंने कहा कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है उसको स्ट्रांग बनाते जाओ कंसेप्ट वाइज और रिलैक्स रहो गार्डन में घूमो यू you नो know, मतलब कैजुअल नहीं होना है बट इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है और आ, आ, बहुत ज़्यादा यू नो अननेसेसरीली गॉसिप में इन्वॉल्व मत हो और ये सारी uh, मतलब कम्युनिकेशन uh, में इन्वॉल्व मत हो कि ओके okay, फ्यूचर में ये हो जाएगा तो क्या होगा मेरा ग्रे गेट क्रैक नहीं निकला तो क्या होगा यू नो आई वुड से कि इस टाइम uh, पीरियड में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा ये मेरा नहीं निकला तो क्या होगा ये जो फियर आ जाती है ना उसकी वजह से ही मतलब आई गेस कैंडिडेट अंडर परफॉर्म कर लेता है uh, मैं आपसे कहूंगा कि ये चीज़ आप मतलब नेक्स्ट ट्वेंटी डेज में नेक्स्ट ट्वेंटी डेज के लिए आप ये चीज़ निकाल दो कि ये नहीं हुआ तो जो उससे डर पैदा होता है ना वो uh, आपके मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए या मे बी आपका निकल गया या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और एक्साइट हो गए तो उससे जो एक्साइटमेंट होता है उससे भी मेंटल स्टेट को इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए आ, मैं कहूँगा कि आ, इस पूरे ड्यूरेशन में आप पूरी प्रोसेस को आ, एक गेम और स्पोर्ट्स की तरह लोगे आ, तो आ, तो आप एग्जाम में अपना बेस दे पाओगे क्योंकि आप देखो कि आ, जैसे कोई स्पोर्ट्स है से क्रिकेट या फुटबॉल की मैच हो रही है और उसका फाइनल है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है आ, पर क्यों खिलाड़ी उसको झेल पाता है क्योंकि वो पूरी गेम को एंजॉय कर रहा है दैट इज द मेन थिंग अगर आप इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आप उसे अपना बेस दे पाओगे क्योंकि ये जो डर है ना कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा ये जो फियर आती है उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे इफ यू लर्न टू एंजॉय थोसेस व इन दिस ड्यूरेशन सो मे uh, बी uh, मेरे लिए भी शॉर्ट uh, ऑफ sort of यही टाइम पीरियड में मे बी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में अच्छा इसलिए वजह से कर पाया uh, क्योंकि uh, मैं जो कंटेंट uh, पढ़ा था uh, जो टॉपिक्स पढ़े थे uh, उस टाइम पे जब मैंने गेट दिया uh, तब मुझे पढ़ाई में मज़ा आ रहा था uh, वो कंटेंट की लर्निंग में मुझे मज़ा आ रहा था uh, क्योंकि मैं अच्छे स्टैंडर्ड यू नो रिसोर्स से रिफर कर रहा था सो आई वुड से सेम थिंग नाउ आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं करंटली आप उसे रिवाइज करो और यू नो देर इज सर्टेन ब्यूटी टू यू नो टॉपिक्स इन कंप्यूटर साइंस वॉट एवर द मैथ बिहाइंड इट सो आई वुड से लर्न टू एन्जॉय दोज थिंग्स फोकस ऑन दोज थिंग्स नॉट ऑन द स्ट्रेस लाइक मेरा गेट नहीं निकला तो क्या होगा ये नहीं हुआ तो क्या होगा ये सारी चीज़ें ओनली यू नो मैंने पहले कहा था कि आपके मेंटल स्टेट को हैम्पर करेगी आपकी परफॉर्मेंस को यू नो काउंटर प्रोडक्टिव होगी क्योंकि द सैड पार्ट इज की जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो ना दैट इज़ फाइन वो वो चलो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं था वो टॉपिक नहीं पढ़ा था नहीं कर पाए पाया फाइन पर यू नो आउट ऑफ फियर और यू नो आउट ऑफ पैनिक आप जो ऑलरेडी आता है उसमें भी आप गड़बड़ कर दो दैट शुड नॉट हैपन राइट सो देट्स ऑल आई वॉन्ट एक्चुअली इन दिस ड्यूरेशन आप थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स रहो <laughs> कैजुअल मत रहो रिलैक्स रहो uh, पूरे एक लर्निंग को एन्जॉय करो पूरे जो भी रिविजन कर रहे हो टॉपिक्स को रिविजन कर रहे हो एन्जॉय करो मतलब ये सारी चीज़ों पे फोकस मत करो क्या होने वाला है <laughs> गेट के मतलब रैंक आया नहीं आया तो क्या होने वाला है क्योंकि यही सारी चीजें यू नो मेंटली फियर आप में जगा के रखेगी और आप में भी आपकी मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट करेगी और वो इनडायरेक्टली uh, में भी एग्जाम में भी इम्पैक्ट करे सो दैट्स ऑल एक तरीके से आपको मेंटल डिसिप्लिन बनाए रखनी है नया नया सीखने का अभी uh, उस पर ध्यान मत दो जो सिखाए उसको ही बेहतर करते जाओ और ज़्यादा स्ट्रेस आए तो आई वुड सजेस्ट की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो यू नो इवन आप कहीं यू नो आप रिलेटिव से मिल के आओ थोड़े टाइम इट्स फाइन इतना ज़्यादा यू you नो know, इतना ज़्यादा टाइम का भी वो मत रखो कि वो मेरा यू you नो know, इतना टाइम चला गया मिलने में वगैरह वगैरह इतना ज़्यादा भी आ, हाँ अननेसेसरी गॉसिप से बचो पर कहीं पे आपको लगता है कि यू you नो know, थोड़ा सा सोशलाइज होने से आपको अच्छा लगता है तो आप करो और रिलैक्स रहो इस पीरियड में और वही है बेसिकली इस ड्यूरेशन में आप कितना अच्छे से यू नो मेंटली ऑर्गेनाइज रहते हो फोकस रहते हो वही मायने रखेगा इस ड्यूरेशन में सो दैट्स ऑल एक्चुअली मुझे इतना ही कहना था हम लोग आपको डी के पेपर में टेक्निकल टॉपिक्स पे हेल्प हो जाए उस इंटेंशन से वीडियो रिलीज करते रहेंगे आप उसे रिफर कर सकते हो और आई आई एम होपिंग आपको हेल्पफुल रहता होगा फील फ्री टू कनेक्ट विथ हस ऑन लिंकड इन हमारी प्रोफाइल की लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में होती है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी ब्रिशविश हैं Uh, हम चाहते हैं कि आप ना सिर्फ गेट एग्जाम में बट uh, हर फील्ड में आप झंडे गाड़े ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच